वेलकम व्यूअर्स, और बात करने जा रहा हूँ मैं विकास लाइफ केयर के बारे में। और क्या इसका टारगेट दोस्तों 2 रुपये होगा या 20 रुपये होगा, वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या लगता है आपको जो दोबारा से राइट इशू आ रहा है, वो उसका मतलब मायने क्या हैं, सो वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। डिस्क्लेमर से शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक दोस्तों लगातार गिरावट के साथ बंद हुआ है, आज 3.55 रुपये पे क्लोजिंग दी है, जो कि लोअर सर्किट होता है 5% का। ऑर्डर बुक के अंदर दोस्तों अभी भी सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर थोड़ा और गिरावट देखने की संभावना है। ट्रेडिंग वॉल्यूम दोस्तों लगभग 43 लाख रहे, 42,70,165। और दोस्तों जो लोग नए हैं उनको बता दूं, इस कंपनी का नाम पहले विकास मल्टीकॉर्प था, जो कि बाद में चेंज होकर विकास लाइफ केयर हुआ है। जब से दोस्तों 20 अगस्त का ये पत्राचार हुआ है NSE BSE के साथ, तब से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके माइंड में कह सकते हो संकोच या थॉट आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। सो इसको देखते फटाफट इन्होंने क्या बोला है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ऑथराइज शेयर कैपिटल से रिलेटेड, जो ये कह रहे हैं बढ़ाएंगे। सो अगर इनको और फंड जुटाने हैं तो उसको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। सो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये अल्ट्रेशन करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो कि कह सकते हो जो नए नए बिजनेस हैं वो उनको ऐड करेंगे उसके अंदर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों जो एक एक्विजिशन करने वाले थे, जो इनका ओल्ड अनाउंसमेंट था एडविक लेबोरेटरीज का, उसको ये ओपन ऑफर या कह सकते हो स्पेशल पर्पस एग्रीमेंट के थ्रू डिसीजन लेंगे इसमें कि कैसे एक्विजिशन करना है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों जो टेक्नो कमर्शियल एजेंसी हैं उनको ये कह सकते हो हायर करने वाले हैं या अपॉइंट करने वाले हैं, जो कि इनको एथनॉल प्रोजेक्ट के कंप्लाइंस में हेल्प करेगी, ठीक है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि ये 2 लैंड और प्लान कर रहे हैं 15 एकड़ और 25 एकड़ की, फर्दर बिजनेस के लिए जो जो ये बताते हुए चल रहे हैं उसके लिए। सिक्स पॉइंट है दोस्तों ये दोबारा से बोल रहे हैं कि हम फंड रेज करेंगे 50 करोड़ रुपए तक का, और इक्विटी शेयर के माध्यम से, और जो कि राइट इशू के बेस पे भी हो सकता है, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये ऑप्शन दिया जाएगा। सेवन है दोस्तों कि AGM की ये डेट फिक्स करेंगे। आठवा है कि ये जो KPM होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करेंगे। और नाइन्थ है कि कुछ अदर डिसीजन होगा तो वो देखा जाएगा। तो सबसे मेन है दोस्तों, देखिए बाकी तो ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, सबसे मेन जो संकोच जो पैदा किया है जिस पॉइंट ने, वो है दोस्तों जो फंड रेजिंग वाला पॉइंट है, ये 6 नंबर वाला। इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ गई है मार्केट में और चिंताएं बढ़ गई हैं। तो थोड़ा इसको समझने के लिए दोस्तों हमें पुराना देखना पड़ेगा सबसे पहले। जो इन्होंने 6 फरवरी 2021 को पत्राचार शेयर किया था, उसके अंदर इन्होंने ऑलरेडी बताया था कि भैया हम 50 करोड़ के लगभग राइट इशू के माध्यम से जुटाने वाले हैं, और 50 करोड़ जो है QIP या प्रिफ्रेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू जुटाएंगे। तो देखो राइट इशू के थ्रू तो ये जुटा चुके हैं, सबने राइट इशू मेरे हिसाब से सब्सक्राइब भी करे होंगे, मैंने उसके ऊपर 2-4 वीडियो पूरे स्टेप वाइज बता के डाला था इसके अंदर। और एक मैंने जो लास्ट वीडियो और शेयर किया दोस्तों, उसको ज़रूर देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। उसके अंदर मैंने बहुत कुछ बताया है पर्टिकुलर विकास लाइफ केयर के बारे में। मैं उसका आई बटन पर लिंक शेयर कर दूँगा, सो जिसके पास भी स्टॉक है मेरे हिसाब से उसको देखना ज़रूरी चाहिए, ठीक है। तो जो इसके अंदर दूसरा पॉइंट था दोस्तों, जो एक देखने वाला पॉइंट है कि ये वाला 50 करोड़ जो जुटाने वाले थे, सो उसकी क्लियरिटी मुझे नहीं मिली है कि ये जुटा पाए या नहीं जुटा पाए। तो हो सकता है या चांसेस हैं कि यही वाले 50 करोड़ अभी राइट इशू के थ्रू उठाने वाले हों। अब थोड़ा क्रक्स में जो कड़वा सच है उसमें आ जाते हैं दोस्तों। ये सारी तो मैंने कहानी बता दी कि करने वाले क्या हैं। इनका अनाउंसमेंट था कि भैया हम जो प्रमोटर हैं उनके स्टेक बेच के डेप्ट कम करेंगे, तो डेप्ट तो उनने कम किया है, जाहिर सी बात है प्रमोटर की सरदर्दी भी कम हो गई है कि उनके स्टेक गए हैं लेकिन जो डेप्ट है वो कम हो गया है। दूसरा जो ये इजी मनी बोल सकते हो राइट इशू में, क्योंकि इसमें
ना किसी को ब्याज देना है, ना कुछ देना है। बैंक वगैरह में जाओगे तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये इंटरेस्ट फ्री मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये प्रिफेयर कर रहे हैं कि भैया 50 जुटाए हैं, 50 और दे दो हमें, जनता पैसे दे दो, हम फिर एक बिजनेस प्लान कर रहे हैं, हम उसको प्लान करेंगे और वो सक्सेसफुल होगा तो आपके शेयर बढ़ेंगे। ठीक है, सो एक प्रकार से देखा जाए तो पब्लिक के पैसों में ही सारा गेम हो रहा है, जो समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपना व्यू इसके पे शेयर करूँगा। पहला पॉइंट दोस्तों, इन्होंने अनाउंसमेंट दुनिया भर की करी है कि भैया एथेनॉल करेंगे, FMCG करेंगे, वाटर वाले में करेंगे, और कह सकते हो कि और भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट है, बट अभी तक बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं शो हो रहा है दोस्तों। सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, सो जब तक उसके अंदर कुछ शो नहीं होता, जो फर्दर जो इनकम है वो जनरेट नहीं होती, चाहे वो कम हो, सेगमेंट की इनकम दिखनी चाहिए कि कौन से सेगमेंट से ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो अभी तो ये रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं दोस्तों। सो पॉइंट ये है कि भैया ऑलरेडी जो राइट इशू ले चुके हैं या पहले से शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये शेयर फिर दोबारा से 2.5 रुपये टच करने वाला है आराम से। ठीक है, और तेज़ी तब आएगी दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, जब ये 5 रुपये 10 पैसे से ऊपर ट्रेड करेगा। सो वो बात अलग है कि कोई ऑपरेटर पकड़ के इसको एक बार को एक रेस लगवा दे, बट जो फाइनेंशियल जो बैकबोन है वो मजबूत वाली तेज़ी तभी आएगी दोस्तों जब रिजल्ट आएंगे, क्वार्टरली बेस पे इम्प्रूवमेंट दिखेगा उसके अंदर तब। सो 2-2.5 साल का नज़रिया है। सो जितना आप खाना खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्नैक्स खाते हैं, उतने पैसे लगा के छोड़ दीजिए और भूल जाइए। लॉस भी हो जाए तो उतने पैसे जाने चाहिए कि जिनको कुछ हमारी सेहत में, हमारे दिमाग में कुछ जोर ना पड़े। सिंपल पैनी शेयर है दोस्तों, बड़े रिस्की है, प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी बहुत रिड्यूस हो गई है। सो आपको ये समझना है, और अभी ये दूसरी बार राइट इशू बोल रहे हैं, फिर तीसरी बार बोलेंगे, फिर आप लोग क्या करोगे? सो ये सब समझना है आपको। ऐसा नहीं है भैया आप बिजनेस कर रहे हो तो यार आप बार बार राइट इशू के थ्रू पैसे जुटाओगे, आप भी तो कुछ एफर्ट करो, कुछ पैसे आप भी लाओ कहीं से, इन्वेस्टमेंट करवाओ कहीं से, ये भी तो हो सकता है। 50 करोड़ कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, सो ये सब सोचना पड़ेगा। बट अगर पॉजिटिव वे में सोचें तो यार जितने अनाउंसमेंट करे हैं उन सब के लिए पैसे चाहिए होते हैं, चाहे लैंड हो, चाहे एथेनॉल हो, चाहे कुछ भी फैक्ट्री खोल रहे हों, बिना पैसे के तो कोई काम होगा नहीं, अनाउंसमेंट से काम नहीं होगा। सो पैसे की ज़रूरत है तो ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सो ये दोनों प्लस और नेगेटिव पॉइंट हैं, बट 2-2.5 साल से पहले कोई उम्मीद रखना इससे मेरे हिसाब से सही नहीं है कि हमारा शेयर का प्राइस 200 और 300 हो जाएगा, वो उम्मीद बेकार है। ठीक है, ये कह सकते हो एक कोई फर्दर मूवमेंट आ जाए कोई 5-7 रुपये का तो बात अलग है, बट अभी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई तेज़ी की उम्मीद है कि ये 5-6 रुपये पार करने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में भले ये पार कर जाए अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो। सो सिंपल दोस्तों, अगर गुंजाइश जितनी थी, पहले आपने शेयर लिया उसमें पैसे लगाए, राइट इशू आया उसमें पैसे लगाए, और दोबारा राइट इशू आएगा तो पैसे लगाओगे, तो यार अब सिर्फ विकास लाइफ केयर का ही शेयर है क्या पूरे शेयर मार्केट के अंदर? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यार। सो ये सब सोचना है आपको कि कहाँ आपको, आपका क्या पोर्टफोलियो साइज है, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और किस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको कितने परसेंटेज करना है। ठीक है, सो पैनी शेयर है, पैनी शेयर में एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हैवी वैल्यू। सो ये ओवर व्यू है दोस्तों, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कोई फर्दर कमेंट है आपका या फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट पे पूछिए, क्योंकि ये डिमांड पे वीडियो बना रहा हूँ मैं कि मेरे पर कमेंट आएगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, मैं बार बार ये बोलते आ रहा हूँ। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार वीडियो बना रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, अब ये लगातार बढ़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उन सब ने कुछ हासिल नहीं करा दोस्तों। उन सब ने क्या करा कि रिटेल इन्वेस्टर को और फंसवा दिया इसके अंदर। ठीक है, जिसके पास नहीं भी था उसने भी ख़रीद लिया। मैंने एक बार खरीदवाया था, ये खरीदवाया मीन्स जब मैंने इसका वीडियो बनाया था उसके बाद राइट इशू आया था, तो सारा हिसाब बराबर हो जाना चाहिए। अब मेरे पास कमेंट आ रहा है कि भैया हम फंस गए अब क्या करें, तो दोस्तों अब मैं उसमें कुछ नहीं बता सकता फ़िलहाल। और जिसको भी आप फॉलो करते हो तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, कम्प्लीट फॉलो करिए। सो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।